मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले दुहार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में ना हम अपने एक ट्रिप में निकलने वाले थे, नहीं नहीं प्लेन से नहीं ट्रेन से जाने वाले थे, लेकिन वो ट्रिप को मेरे को कैंसिल करना पड़ा बिकॉज मम्मी का तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो चुका है। ज़्यादा सीरियस वाला बात नहीं है, बस नॉर्मल फ्लू है, लेकिन अगर ऐसे टाइम में हम अगर बाहर जाते ना तो मेरा आधा से ज़्यादा दिमाग घर पे ही लगा रहता कि मम्मी का तबीयत कैसा है कैसा नहीं है, तो इसलिए हमने वो ट्रिप को कैंसिल कर दिया। एंड एक मिनट बारिश हो रहा है, अंदर जाके बात करते हैं। एंड अभी हम जा रहे हैं घर का राशन लेने के लिए बिकॉज घर का काम इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। कोई बात नहीं यार, एक ट्रिप कैंसिल हो गया तो, बट अगर ट्रिप कैंसिल नहीं होता ना तो आप लोगों के लिए बहुत खतरनाक ब्लॉग्स आने वाले थे। मतलब 6-7 एपिसोड्स में ब्लॉग्स आते, तो सोच सकते हो वो एक लंबाई ट्रिप था। बट कोई नहीं, हम उतना लंबा ट्रिप तो नहीं, बट हाँ सितंबर में छुटका मुटका ट्रिप हम जरूर प्लान करेंगे जहाँ पे सीरीज में ब्लॉग्स आएंगे, बिकॉज अभी तक हमारे चैनल में सीरीज में ब्लॉग्स आए नहीं है। सो फिंगर क्रॉस्ड। यहाँ पे इतना भीड़ जो देख रहे हो ना, यहाँ पे चल रहा है फुटबॉल का टूर्नामेंट। ये बारिश का मौसम है ना, अभी फुटबॉल खेलते हुए देखे ना हमें हमारा बचपन का याद आ गया। उस टाइम पे ऐसी बरसात में हम भी फुटबॉल खेला करते थे। गर्मी के टाइम में हमारा था कि हम क्रिकेट खेलेंगे भाई, चाहे जितना भी गर्मी हो दिन भर हम लोग क्रिकेट खेलते रहते थे। एंड जैसे बरसात आता था तो पिच वगैरह तो गीला हो जाएगा तो क्रिकेट तो खेल नहीं पाएंगे, तो हम लोग खेलते थे फुटबॉल। यार बचपन का दिन का ना बात ही अलग है, खास करके हम 90s के बच्चों का, उसका कंपैरिजन आज के टाइम से कर ही नहीं सकते बिकॉज दैट वॉज लाइक, समझ जाओ यार, मेरे पास वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए। तो पापा का स्पेशल डिमांड था कि जलेबी चाहिए, तो जलेबी भी हम ले चुके हैं 510 का। अभी हम घर आ चुके हैं वापस। एंड हाल फिलहाल में आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि मैं ज़्यादा मोटो व्लॉग नहीं कर रहा हूँ, मतलब मोटो व्लॉग का जितना भी पार्ट है उसको मैं जितना हो सकता है कम रखने की कोशिश कर रहा हूँ। रीज़न ये है ना कि मेरा जो कैमरा है SJ6 लेजेंड जिससे मैं मोटो व्लॉग करता हूँ, कैमरा में तो कोई दिक्कत है नहीं, कैमरा तो एकदम मस्त चकाचक चल रहा है, लेकिन दिक्कत है इसके एक्सटर्नल माइक में जो कि मेरे हेलमेट में लगा हुआ है। मतलब अगर मैं 30 से ऊपर जा रहा हूँ ना तो विंड ब्लास्ट उसमें बहुत ज़्यादा आ जा रहा है, वॉइस मेरा ठीक से रिकॉर्ड कर नहीं पा रहा है। एंड अगर मैं 50 से ऊपर जा रहा हूँ ना तो वॉइस आ ही नहीं रहा है मेरा, चाहे मैं कितना भी ज़ोर से बोलूँ। लेकिन इसका भी एक जुगाड़ है और जुगाड़ का नाम है बोया एम। सो दिस इज द लैवियर माइक फ्रॉम बोया, जो मैं अपने मेन सेटअप में यूज करता हूँ ना उसमें भी बोया का ही माइक में यूज करता हूँ, दैट इज बोया M11 एंड दिस इज बोया M1। तो जो क्वालिटी अभी आप लोगों को मेरे मेन कैमरे से आ रही है ना, सेम क्वालिटी आप लोगों को अब मेरे मोटो व्लॉग से भी आएंगे। लेकिन दिक्कत की बात ये है ना कि जो हमारा एक्शन कैमरा है ना, यहाँ पर जो इसका पिन देख रहे हो ना, ये इस तरीके का पिन है, बट हमारा जो माइक है ना उसका जो पिन है ना वो 3.5mm का पिन है। तो इस माइक को डायरेक्टली मैं इस कैमरे के साथ तो यूज़ नहीं कर पाऊँगा, तो प्लान मेरा कुछ ऐसा है ना कि इस माइक को मैं यूज़ करूँगा अपने मोबाइल के साथ में, मतलब वीडियो रिकॉर्ड होगा इसमें बट ऑडियो जो होगा हमारे मोटो व्लॉग का वो रिकॉर्ड होगा हमारे मोबाइल फ़ोन में, एंड फिर एडिटिंग में दोनों को हम ऐसा सिंक करेंगे। हाँ थोड़ा सा हेक्टिक काम है, लेकिन अभी अगर क्वालिटी मेरे को चाहिए तो मेरे को ये चीज़ करना पड़ेगा। ये है हमारा एक्शन कैमरा का माइक एंड ये हमारा बोया का M1 माइक, बट दोनों का साइज़ डिफरेंस देख रहे हो, मतलब ये इतना छोटा सा है इतना पतला सा है देख सकते हो, और वहीं जो अभी हमारा नया माइक है ना वो इतना मोटा है। अभी सबसे बड़ा मेरे लिए चुनौती ये है ना कि इतना बड़ा तार को मैं हेलमेट के अंदर कैसे फिट करूँगा, बिकॉज हेलमेट मेरे को वैसे भी टाइट आता है एंड इतना बड़ा तार के लिए तो स्पेस मतलब ना के बराबर है, तो कुछ ना कुछ जुगाड़ हम लगाते हैं एंड इसको फिट करते हैं, बिकॉज देखो इतना बड़ा तार भी है एंड प्लस ये जो देख रहे हो ना यहाँ पर बैटरी वगैरह लगता है एंड माइक है हमारा ये, तो फिर देखते हैं यार कुछ जुगाड़ लगाते हैं इसको किस तरीके से हम फिट करते हैं हेलमेट में एंड उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो ऐसे कैसे तैसे भी करके आपके भाई ने जो तारों का जंजाल था ना उसको हेलमेट के पैडिंग के पीछे अच्छे तरीके से छुपा दिया है। एंड अब एक छोटा सा टेस्ट राइड करते हैं एंड देखते हैं कि आवाज कैसा आ रहा है। सजना जी मैंनू छड के नहीं जाना कदी। तो कैमरा हमने सामने लगा लिया, अभी हेलमेट में लगाने का हमें जरूरत है नहीं, हम अलग अलग एंगल से भी शूट कर सकते हैं बिकॉज ऑडियो जो है ना वो हम रिकॉर्ड करेंगे अपने मोबाइल फोन में। रिकॉर्डिंग चालू है, अब ऑडियो सिंक कर लिया जाए। 1 2 3
सो बेसिकली मेरे को चार तरीके से अभी टेस्ट करना है कि ऑडियो मेरा कितना क्लियर आ रहा है। सबसे पहला टेस्ट है कि वाइजर ओपन करके मैं बात कर रहा हूँ तो ऑडियो कैसा आ रहा है। सेकंड टेस्ट होगा वाइजर क्लोज करके, थर्ड टेस्ट होगा नॉर्मल स्पीड में, एंड फोर्थ टेस्ट होगा हाई स्पीड में। तो देखते हैं यार कि आवाज़ कैसा आ रहा है। एंड अगर सेटिस्फाइंग आवाज़ नहीं लगा मेरे को ना, तो फिर जो माइक का जो एंगल है ना उसको मेरे को चेंज करना पड़ेगा। अभी माइक यहाँ पर पैडिंग जो होता है ना उसके अंदर हमने लगा करके रखा है, एंड आई एम होपिंग एंड आई एम अज्यूमिंग कि आवाज़ मेरा अच्छे तरीके से रिकॉर्ड हो जाएगा। आजकल का जो मौसम है ना समझ नहीं आता है यार, बरसात होगा कि धूप निकलेगा, गर्मी होगा या ठंड लगेगा, मतलब बहुत अजीब सा मौसम कर दिया यार। मतलब सुबह में बारिश हो रहा था, हम जब घर से बाहर निकले तो बादल था, एंड अभी मोटो व्लॉग कर रहे हैं तो धूप हो गया। वैसे अच्छी बात है यार, लाइटिंग अच्छा मिलेगा मेरे को। सो अभी वाइजर क्लोज करते हैं एंड हाईवे में थोड़ा भगाते हैं बाइक को। पर इतनी स्पीड में मैं अभी अगर अपने पुराने वाले माइक में बात कर रहा होता ना तो मेरा आवाज बिल्कुल भी नहीं आता, बट इसमें आई एम होपिंग कि आवाज मेरा आ रहा होगा। बस फिंगर क्रॉस्ड हो भाई, आवाज आ जाना चाहिए, कोई लफड़ा नहीं होना चाहिए। तो एक बार थोड़ा सा हाई स्पीड लेके जाते हैं, मतलब 70-80 में, एंड फिर देखते हैं कि आवाज कैसा आ रहा है। तो राइट नाउ माय स्पीड इज 80-90, लेकिन टू बी ऑन द सेफर साइड, ज़्यादा स्पीड में मोटर व्लॉग हम करते नहीं हैं, बिकॉज अगर ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा होगा ना तो फिर वो पार्ट मेरे किसी काम का रहेगा नहीं। तो जो मेरे को चेक करना था हाई स्पीड में मैंने थोड़ा सा चेक कर लिया, अभी घर जाके चेक करेंगे, अगर ऑडियो सही आ रहा होगा तो बढ़िया बात है। यार सच बताऊँ तो यार मेरे को ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा जो कि मेरा ट्रिप कैंसिल हुआ, बिकॉज अभी हम अपने दोस्तों के स्टेटस में स्टोरी में देख रहे हैं यार, वो लोग उधर के एकदम फोटोज़ वगैरह डाल रहे हैं, तो थोड़ा सा बुरा लग रहा है। बट कोई बात नहीं यार, होता है ये सब चीज़, घर का जिम्मेदारी भी ज़रूरी है। एंड कुछ लोग होते हैं ना जो बोलते हैं यार तुम तो इकलौते हो, ऐश करते होगे। देखो भाई, वो इकलौता बच्चा ऐश करता है ना जिसका बाप अंबानी होता है। अगर जिसका बाप अंबानी नहीं है ना तो फिर वो ऐश कर ही नहीं सकता भाई, बिकॉज घर के जिम्मेदारी उसके ऊपर आ जाती है, एंड कोई और होता नहीं है वो जिम्मेदारी उठाने के लिए, तो वो किसी के ऊपर थोप भी नहीं सकता है। तो उसको सब चीज़ खुद से ही करना पड़ता है, घर का जिम्मेदारी, खुद का सपना, ऊपर से अगर लड़के का लफड़ा हो गया तो उधर का हार्ट ब्रेक। इसीलिए लड़की वाले मैटर में तो हम जाते ही नहीं है भाई साहब, ऐसी ज़िंदगी में कम प्रॉब्लम नहीं है और एक्स्ट्रा प्रॉब्लम नहीं चाहिए। सो ऑल द मिडिल क्लास बॉयज, तुम लोग रिलेट कर पा रहे होगे मेरे इस बात से, बिकॉज हर मिडिल क्लास लड़कों का ना यही एक प्रॉब्लम होता है, वो बस अपने से ही जूझते रहता है। एक तरफ उसका सपना रहता है, एक तरफ घर की जिम्मेदारी रहता है, एक तरफ उसका फ्यूचर का सोच रहता है कि आगे हम क्या करेंगे, ऊपर से रिश्तेदारों का सवाल होता है कि क्या कर रहे हो। एंड वन ऑफ द मोस्ट घटिया सवाल मेरे को लगता है कि तुम क्या कर रहे हो। अबे साले, उस समय ऐसी रिएक्शन निकलता है मुझसे, लेकिन सामने से बोलना पड़ता है अरे कुछ नहीं, बस ऐसे ही ये चल रहा है वो चल रहा है। उसके बाद सामने से और प्रवचन आता है, अरे ये करो, अरे वो करो। अरे भैया तुम अपना घर देख लो, वही बहुत है, दूसरों के घर में ज़्यादा बोलने का नहीं। वैसे मेरे को ज़्यादा रिलेटिव्स वैसे बोलते नहीं हैं, क्योंकि तो रिलेटिव्स ना दो तरीके के होते हैं। एक जो होते हैं ना जो तुमको बस हमेशा नीचा दिखाना चाहते हैं, तो वो रिलेटिव लोग से मेरे को कुछ मतलब नहीं, हम कभी भी उनको कुछ भी कभी भी बोल सकते हैं। एंड दूसरे जो रिलेटिव्स हैं जो कि क्लोज वन है, उन लोगों की बात हम सुनते हैं बस। तो इन रिलेटिव्स वॉचिंग माई व्लॉग, मतलब बैड वाले रिलेटिव, तो छोड़ो यार आज थोड़ा ज़्यादा बोल रहे हो, कोई नहीं कोई नहीं, नमस्ते। एंड मेरे अच्छे वाले रिलेटिव को लव यू टू। अभी एडिटिंग में मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर होगा, क्योंकि वीडियो अलग से रिकॉर्ड कर रहे हैं हम, एंड ऑडियो अलग से रिकॉर्ड हो रहा है हमारे मोबाइल में, तो फिर उसको एडिटिंग में हम सिंक करना पड़ेगा। एंड मोबाइल में ये दिक्कत होता है ना, सारा कुछ मैनुअली करना पड़ता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी वेस्ट होता है। लेकिन मेरे को जो क्वालिटी चाहिए ना, अगर वो क्वालिटी मेरे को मिल रहा होगा ना, तो हम थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगाने को, थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करने को तैयार है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, क्वालिटी मेरे को चाहिए भाई साहब। जैसा ऑडियो क्वालिटी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा ऑडियो क्वालिटी मेरे को मिला, तो इस बात का बहुत ज़्यादा खुशी है। लेकिन दिक्कत है एक छोटा सा, कि जब मैं हाई स्पीड पे जा रहा हूँ ना तो विंड नॉइज़ थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, तो उसका भी जुगाड़ हम कर लेंगे। बस माइक का एंगल थोड़ा सा चेंज करना है, वहाँ पे थोड़ा कुशनिंग करना पड़ेगा, तो वो भी हो जाएगा। लेकिन जिस चीज़ के लिए हमने माइक में पैसा लगाया था, मतलब जो ऑडियो क्वालिटी मेरे को मांगता था, वो ऑडियो क्वालिटी मेरे को मिल चुका है। तो आज के ब्लॉग को बस इतना ही रखते यार, आई नो ब्लॉग थोड़ा सा छोटा बना है, तो आज के लिए एडजस्ट कर लो यार, इसके बाद वाला जो भी ब्लॉग आएगा ना वो थोड़ा लंबा बनेगा। एंड आज तो पता ही है कि हम बाहर बाहर निकल नहीं पाए।
के वजह से ज़्यादा लंबा हम कुछ शूट था ही नहीं मेरे पास कुछ करने का, बट फिर भी हमने कुछ ना कुछ शूट कर लिया, तो हल्के में एक छोटा मोटा ब्लॉग हमने बना दिया। सो अगर ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर से करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, अपने फैमिली ख्याल रखो, एंड ब्लॉग्स देखते रहो। बाय बाय। हम अमीर हैं, माना।